नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्षितिज भाग टू का पाठ लखनवी अंदाज का क्वेश्चन आंसर में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्लास 9 और 10th का कृतिका और क्षितिज स्पर्श का बहुत सारा मैं वीडियो बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी मैं बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को लखनवी अंदाज का क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक उत्सुक नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा, जब लेखक डब्बे में अचानक आ गए तो ऐसा लगा कि नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव आ गया है। वे एकांत रहना चाहते थे, इसलिए ऐसा लगा कि उनके एकांत में विघ्न पड़ गया है। उनको ऐसा लग रहा था कि एकांत में उनको विघ्न पड़ गया है। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की और न कोई हाव भाव दिखाया, यहाँ तक कि वे लेखक की तरफ देखा तक भी नहीं, बल्कि वे खिड़की से नाटकीय भाव से इधर उधर झांकने का प्रयास करने लगे। लेखक को उनके हाव भाव से पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा को काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इसका आंसर है, नवाब साहब के मन में नवाबी शान शौकत का भाव था। वे अपने आप को ऊंचा दर्जा का मान चुके थे, उनके मन में अहम का भाव था। अहम का भाव मतलब उसके अंदर अहंकार का भावना था, घमंड उनके अंदर था। साथ ही वे अपने ठाठ बाठ का प्रदर्शन करना चाहते थे, मतलब झूठी शान शौकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसलिए वे सामान्य सामाजिक तरीके को नहीं अपनाकर अपना बड़प्पन दिखाना चाहते थे जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। वे अकेले बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु अचानक से जब लेखक वहां पहुंच जाते हैं तो वे अमीरी शान शौकत दिखाने लगते हैं। उन्होंने खीरे को पहले छीला, नमक मिर्च लगाया और उसे सूंघकर बाहर फेंक दिया। यह सब करके नवाब साहब बताना चाहते हैं कि वे एक बहुत बड़े अमीर और नवाब हैं, वे खीरे जैसा असाधारण चीज़ नहीं खाना चाहते। मतलब खीरा जो है गरीबों का फल है, इसलिए वे नहीं खाना चाहते हैं। ये तो गरीबों का फल है, उन्हें तो बस मलाई और मक्खन ही पसंद है। खीरा खाकर पेट भरने की आदत तो गरीब लोगों की यानी साधारण लोग ही करते हैं जिसको पैसे कम हैं। अमीर लोग तो बस खीरे को सूंघ कर फेंक देते हैं। यह नवाब के विचार के खोखलेपन की ओर संकेत करता है। लेखक कहना चाहता है कि आज अधिकांश व्यक्ति नवाब से भी कम नहीं अपने आप को समझते हैं। वे विलासिता की ज़िंदगी में इस तरह, मतलब विलासिता का मतलब सुख मौज की ज़िंदगी में इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि आम आदमी के दुख दर्द का एहसास तक नहीं होता है। आज दिखावे की संस्कृति चारों तरफ फैला हुआ है। दिखावे की संस्कृति का मतलब चारों तरफ बड़प्पन दिखावा यह चल रहा है और जीवन की असलियत को भूलकर लोग दिखावे में ही मग्न हो गए हैं, खो गए हैं। इसलिए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। आदमी विवेकहीन बनते जा रहे हैं। अगर उसके अंदर ज्ञान होता तो ऐसा हरकत वह कभी नहीं करता। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो इसका आंसर है, लेखक इस कथन के माध्यम से आज के नई कहानीकार के दौर में लेखकों पर व्यंग्य किया है। कोई भी कहानी लिखने के लिए घटना विचार और पात्र का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब घटना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ। बिना पात्रों के कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। कहानी में कोई ना कोई विचार बात या उद्देश्य होना आवश्यक है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए
आवश्यक तत्व है। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यह बिल्कुल सत्य है। उनका विचार हमारे विचारों के अनुकूल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? तो इसका आंसर लिखिएगा, इस कहानी का नाम हम झूठी शान शौकत दे सकते हैं, या नवाबी ठाठ, या दिखावे की संस्कृति, या झूठा अहंकार भी दे सकते हैं, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के उद्देश्य से अपने खीरा को खाने की इच्छा को भी नष्ट कर दिया। वह दिखावे में अपने नैतिकता को भी तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि देना मतलब दिखावे में वह इतना मग्न हो गया कि उसे सच्चाई का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि उसके अंदर विवेक और आत्मज्ञान का बिल्कुल अभाव था। अगर उसके अंदर विवेक बुद्धि रहता तो ऐसा हरकत नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की प्रक्रिया को बहुत ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है, मतलब बहुत ही रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है। नवाब साहब बड़े ही आराम के साथ पालथी मारकर बैठे हैं, उनके सामने तोलिए पर कुछ ताज़े खीरे रखे हुए हैं। वे बड़े ही आराम से भाव विभोर होकर बैठा हुआ है। उन्होंने तोलिए को उठाया, झारा और फिर उसको बिछाया, सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, उस पानी से खिड़की के बाहर खीरे को धोया, फिर उसे तोलिए पर रखा, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का डंठल यानी पीछे के तरफ से झाग नमक लगाकर निकाला। झाग इसलिए निकाला जाता है ताकि उस खीरे का कड़वापन दूर हो जाए। फिर बड़े ही यत्न से खीरा को छीला, उसके बाद उसका फाँके तैयार किया और एक एक फाँकों पर जीरा नमक लाल मिर्च को बड़े ही यत्न से डाला। अब जैसे ही खीरा खाने के लिए तैयार हुआ, उसने नाक से एक एक फाँक को सूंघ कर खिड़की से फेंक दिया। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि खीरे के स्वाद के कल्पना से उसके मुंह में पानी आ रहा था और यह दिखावे की ओर इंगित करता है। अब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ आ सकता है और इसमें भाषा अध्ययन का भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। तो क्रिया भेद कैसे लिखा जाता है? क का है, एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे थे। तो इसका आंसर होगा क का, बैठे थे। यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब ख का है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो ख देकर दिखाया लिखिएगा और उसमें डैश देकर सकर्मक क्रिया ये है। अब गौ का, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो गौ का है, बैठे कल्पना करना है और उसके आगे डैश दीजिएगा, यह अकर्मक क्रिया है। और घौ का क्या है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो इसमें घौ लिखिए, घौ के बाद डैश दी, घौ के बाद लिखिए काटना खरीदे होंगे और फिर डैश दे करके सकर्मक क्रिया है। अंगह का क्या है, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो इसमें अंगह दे करके दीजिए, काटा गोंद कर निकाला, यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। और चौका है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। तो चौ में लिखिएगा देखा, देखा दे करके डैश दीजिए और यह अकर्मक क्रिया है। और छ का क्या है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। छ का क्या है, छ दे करके लिखिए लेट गए थक कर और फिर डैश होगा, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, दोनों अकर्मक क्रिया है। और जौ का है, जेब से चाकू निकाला। तो निकाला क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब पाठोत्तर सक्रियता, यह इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ।
नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? यह शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा, तो इसका आंसर लिखिएगा, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक को देखा, मानो ये कहना चाहते थे कि देखो खीरा खाने का खानदानी तरीका यह होता है, इसे हम ही जानते हैं, तुम नहीं जानते हो इसको। अब आगे प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? ये शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिखिएगा, जब लेखक गाड़ी के सेकंड क्लास डब्बे में पहुंचा तो अंदर केवल नवाब साहब थे जो अकेले पालथी मारकर बैठे हुए थे। लेखक को आया देखकर उनके चेहरे पर असंतोष का भाव आया, मानो वे उनके आने से अप्रसन्न हैं, दुखी हो। फिर उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया। आगे है प्रश्न, नवाब साहब को लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने खीरों के साथ और क्या चीज़ें दी थी? उस वस्तु की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने नवाब साहब को खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी दी थी। इन दोनों को खीरे पर बुरकने से खीरे में से पानी निकल आता है, उसकी महक उमड़ पड़ती है और खीरा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आगे प्रश्न है, नवाब साहब खीरों के फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले नाक के पास क्यों ले गए? उनके इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर है, नवाब साहब खीरों के फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले नाक के पास इसलिए ले गए क्योंकि वे खीरे की सुगंध का आनंद लेना चाहते थे, उन्हें उसी से तृप्ति मिलती थी। आगे प्रश्न है, लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़ों को स्फुरित होते देखकर क्या सोचा? तो इसका आंसर लिखिएगा, लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़ों को स्फुरित होते देखा तो सोचा कि वह ये खीरे पर नमक मिर्च बुरकते वक्त इसके स्वाद की भी पूरी कल्पना कर रहे हैं। आगे प्रश्न है, क्या आप नवाब साहब को लेखक की तुलना में अधिक शिष्ट और सामाजिक प्रकृति का व्यक्ति मानते हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। अब इसका आंसर है, नहीं, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर और क्या व्यंग किया गया है? तो इसका आंसर लिखिएगा, लखनवी अंदाज में नवाब साहब की नवाबी आदतों पर व्यंग किया गया है। लखनऊ के नवाब किस तरह अपने आप को सबसे अलग, विशेष और विनम्र मानते हैं, यह दिखाना लेखक का उद्देश्य है। वे खुद को इतना नाजुक मानते हैं कि खीरा सूंघने भर से उनका पेट भर जाता है। आगे प्रश्न है, खानदानी, तहजीब, नफासत और नजाकत आदि शब्द पाठ में किस सभ्यता की विशेषता के सूचक हैं? नवाब साहब के खीरा खाने के तरीके में इन शब्दों के भावों का कितना समावेश है? तो इसका आंसर लिखिएगा, लखनऊ के नवाबों की सभ्यता में खानदानी संस्कृति, नफासत और नजाकत का बहुत महत्व है। नवाब साहब ने जिस शानदार तरीके से खीरे को धोया, उसे तौलिए पर लिटाया, पोछा, छीला, फिर बड़े ध्यान से उसको काटा, उस पर नजाकत से नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर छिड़का, इस सारी कारगुजारी में नवाबों की नजाकत और नफासत ही देखने को मिलती है। आगे प्रश्न है, लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? तो इसका आंसर है, लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है, केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भरा जा सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं, वे ढोंगी हैं, अवास्तविक हैं। इस व्यंग का पूरा दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए, बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है। आगे प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग से भरपूर है, इसमें सूक्ष्मता, कोमलता और शानवान के नाम पर जीवन की सहजता को नकारने का विरोध किया गया है। लेखक कहना चाहता है कि ये लखनवी नवाब खीरे के भोग के नाम पर केवल उसकी गंध और स्वाद लेते हैं, वे इसी में अपनी शान और विशिष्टता मानते हैं, परंतु उनका यह अंदाज अशरीरी है, अवास्तविक है और जीवन विरोधी है। इस विरोध को प्रकट करने के लिए लखनवी अंदाज शीर्षक सार्थक बन पड़ा है। आगे प्रश्न है,
नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, इस पंक्ति में छिपा व्यंग स्पष्ट कीजिए। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लिखिएगा इसका। इस पंक्ति में गहरा व्यंग छिपा है। लेखक कहना चाहता है कि लखनवी नवाबों की सारी जिंदगी छोटी छोटी बातों में नज़ाकत दिखाने में ही बीत जाती है। वे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपनी नवाबी शान को लिए लिए फिरते हैं। वे अपने नजरें नखरे भरे अंदाजों में ही जीवन जी लिया करते हैं। वे जीवन भर ठोस कुछ भी नहीं करते, वे केवल दिखावे में ही रहना पसंद करते हैं। आगे प्रश्न है, नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है? तो इसका आंसर लिखिएगा, नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों अशरीरी, सूक्ष्म और काल्पनिक है। दोनों ठोस को नहीं गंध को महत्व देते हैं। नवाब साहब बिना खीरा खाए पेट भरना चाहते हैं, तो नए कहानीकार बिना घटना पात्र और उद्देश्य के कहानी लिखना चाहते हैं। दोनों ही जीवन की वास्तविकता और यथार्थ की उपेक्षा करते हैं और सूक्ष्म की आराधना करते हैं। आगे प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो इसका आंसर लिखिएगा, नवाब साहब खीरे को खाने की बजाय उसके स्वाद और सुगंध से तृप्त हो गए थे। उनका पेट इन्हीं से भर गया था, इसलिए उन्होंने खीरे की फांकों को खिड़की से फेंक दिया। आगे प्रश्न है, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई है? तो इसका आंसर है, लेखक ने जैसे ही सेकंड क्लास के डब्बे में पांव रखा, पहले से बैठे नवाब ने उनसे आंखें चुरा ली। अतः लेखक को भी नवाब साहब से बोलना आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा। उन्हें लगा कि जो आदमी तुमसे बोलना ना चाहे उससे बोलना अपना अपमान कराना है। आगे प्रश्न है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आँखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? तो इसका आंसर है, नवाब साहब ने खीरा खाने की बजाय उसे सूंघा और खिड़की के सामने फेंक दिया। उन्हें लगा कि इससे इसकी नवाबी शान में चार चांद लग गए हैं। इसी गर्व के कारण उसकी आंखों में नशा आ गया। उसने अपनी इसी शान को दिखाने के लिए लेखक की तरफ गर्व से देखा। इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को राय परामर्श कुछ भी देना हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे हम नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है।